हुआ। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं जो इंसान आता है दोस्तों वैसा ही, दोस्तों बाहर की दुनिया में इंसान पैसे के लिए नौकरी करता है, करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता। आज अहमदाबाद के अंदर दोस्तों 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए सुबह लेके शाम तक जो इंसान मेहनत मजूरी करता है और लास्ट में उसका समय देगा, वहां से उनको पैसा मिलेगा। यह हकीकत कंडीशन है कि नहीं? मेरा भी कंडीशन था मार्केट के अंदर दोस्तों, 5 बहन थी मेरी, मैं एक भाई था यानी एक बड़ा भाई था दोस्तों, हम दोनों भाई थे, मम्मी पापा मेरे पास थे, यानी कि बाहर की दुनिया में घर चलाना बहुत मुश्किल का काम, मैं मानता हूँ घर चलता नहीं, घर को चलाना पड़ता है। और मैंने मार्केट के अंदर घर चलाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत किया, क्योंकि मेरा वो तक राजस्थान के अंदर दोस्तों एक सुंदर माता, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आए भी होंगे, सुंदर माता से 10 किलोमीटर रानीवाड़ा का दोस्तों मैं रहने वाला हूँ, राजस्थान में रानीवाड़ा। और मैंने गुजरात में देखा था दोस्तों, गुजरात की सिटी के अंदर जब बात आती थी धानेरा डिस्ट्रिक्ट जब जाने का आता था, तब मुझे बोलते थे धानेरा जाना, तो मैं रेलवे स्टेशन के बाद मेरी जॉब थी और मैं ये देखता था लोगों को सुबह लेके शाम तक ट्रेन की दोस्तों मुसाफिरी करते थे, और उस समय मैं लोगों को पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो लोग मुझे बता रहे हम धानेरा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बोला दवाई लेने जाते हैं। बस मेरे माइंड में फिट हो गया कि धानेरा गुजरात लोगों को दवाई लेने जाते, बीमार होते वही गुजरात जाते, ये मेरे माइंड में सेट हो गया। इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे गुजरात जाने की जरूरत है क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूँ। और उस समय दोस्तों मैं बिजनेस के अंदर जब आया था, क्योंकि स्टेज पे आज जिन व्यक्ति ने आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिया है हरदेव सिंह के लिए, पर छोड़ दो छोटे बाजार में दोस्तों घर में शादी है, अभी 12 आने बाकी है, 11 बज के दोस्तों 12 आ जाएगी, लेकिन दोस्तों राजस्थान से 285 किलोमीटर से अहमदाबाद में दोस्तों। ये एक सिचुएशन में बोल रहा हूं क्योंकि आज कई लोगों घर में खुद की शादी होती है, खुद की सिस्टर की शादी है, तो कोई नहीं ना दोस्तों मेरे सगी भांजी की शादी है और मैं इधर हूं। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि दोस्तों माई लाइफस्टाइल बानाबाजी बहुत हो रही है, आज भी मैंने एनटीसी बनने के बाद बाना नहीं बना था दोस्तों। किसी व्यक्ति का एजुकेशन होगा, हाई एजुकेशन, कॉलेज डिग्री, डॉक्टर, मास्टर, बहुत लोग होंगे, मेरे घर में भी है। मुझे लोग समझाते तू कुछ नहीं कर सकता, मैं सच में समझता था मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा नाम फेमस था, लोग बोलते तू नालायक है, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि लोग आज ये देखते हैं, ये देखा मेरा सूट बूट वगैरह बेस्ट है सर, आप तो क्या बात कर रहे हो, आपकी लोग बात मानते हैं, कितने लोगों को लगता है ऐसा दोस्तों। ये जो कंडीशन है ना दोस्तों, सच बताता हूं, आज स्टेज पे जो सूट पहन के खड़ा होने, हकीकत ये सूट पहले नहीं था, मेरे जैसी किसी की हालत नहीं होगी दोस्तों। जो बिजनेस की मैंने शुरुआत की, जब दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो इंसान ने जो प्लान बताया है 450 से लेके 2,10,000 बताया कि नहीं बताया? Yes. दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मुझे ही बताया था, तब ये कंडीशन थी मेरे दोस्तों। आज लोगों को ये बिजनेस के अंदर ये चीज दिखता है, सर आपके पास तो गाड़ी है, आपके पास तो सब कुछ वेल से, इसलिए आप माय लाइफ का धूम मचा रहे हो, है कि नहीं दोस्तों। मैंने बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, लोगों घर में काम जाता था, होटल में नौकरी कर रहा था दोस्तों, 500-1,000 रुपए की मजदूरी मेहनत करता था, मिडिल क्लास परिवार से आता दोस्तों। मैं अलीगढ़ से नहीं आया हूं, मैं एक करोड़पति घर से नहीं आया, मैं एक मिडिल क्लास परिवार, यानी कि ऐसी मजदूरी करके मेरा घर मेंटेन कर रहा था, और उस समय मेरी हालत थी 200-300 रुपए कमाना मेरे लिए बहुत टफ था। मैंने माई लाइफ स्टाइल के अंदर पहला फॉर्म भरा था, और तब मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मेरे कोई सपना नहीं था, कई लोग आपको स्टेज में बताया था ड्रीम सपना, बताया था कि नहीं बताया? Yes. मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, मेरा एक ही ड्रीम था, भगवान का ये कल्पना वगैरह जो रहता राजस्थान में, ये उठाना इसको बंद कर दो, कहते अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर था। Yes. लेकिन लोग मुझे जॉब पे नहीं रखते थे, क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि एजुकेशन हायर किया हुआ था, इतना पढ़ने के बाद
मैंने इतना एजुकेशन लिया और एजुकेशन लेने के बाद मुझे जॉब लगी और वो नौकरी ऐसी लगी कि जहां माय लाइफस्टाइल के अंदर इस बिजनेस के अंदर जब एक होटल थी होटल के अंदर नौकरी लगी और मार्केट के अंदर नौकरी करते 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 दोस्तों आज जो भी अपन नौकरी करते हैं सब लोग करते कि नहीं करते नौकरी yes. करते हैं ना yes. कितने लोग जॉब नहीं करते सब करते मैं भी नौकरी करता नौकरी के साथ साथ में ये प्रोडक्ट मेरे घर पे भी आती थी आपके घर पे आती है yes. आती है प्रोडक्ट yes. आती है तो ही बोल रहा yes. ऐसे मत बोलना सर हाँ नहीं आती हाँ आती है हम लोगों को फंसाया इसलिए अल्लाह ने बैठा है हाँ उसके साथ हाँ मिला रहे हैं आप लाते मिला yes. यानी कि ये प्रोडक्ट मेरे घर पे लाता था मैं नौकरी करता था जो नौकरी से पैसा कमाता था वहां पैसा कमाने के पास मेरे पास जो पैसा आता था वो पैसा मैं मार्केट में जाता था वहां से मेरे घर मेंटेन होता था साबुन तेल शैंपू ऐसी प्रोडक्ट में लाता था आप भी लाते होंगे नहीं लाते yes. कई लोग खेती बाड़ी करते हुए यूरिया ये भी लाते नहीं लाते वो पैसा देकर लाके ठोकर लाते मैं भी पैसा लेकर लाता और तब मुझे समझ में आ गया मैं मार्केट में जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं वो प्रोडक्ट मुझे आज दिन तक मुझे करोड़पति नहीं बनाया दुकानदार ने मुझे आज दिन तक करोड़पति बनाया क्योंकि मुझे उस दुकान पे जाता हूं वहां पैसा देता हूं वहां से मुझे प्रोडक्ट मिलती है और उस प्रोडक्ट को लेकर मैं यूज करता हूं और प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ है प्रोडक्ट यूज करता हूं और प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे घर पे पैसा आता है आपके घर पे भी पैसा आता है yes. Yes. क्या है इसलिए बोलता ध्यान इधर नहीं आता क्या आप प्रोडक्ट यूज करते हो मार्केट में से वहां से क्या पैसा आता है no. उल्टा पैसा जाता है कि नहीं जहां पैसा आपने महीने का कमाया वहां से आप दुकान पे जाओगे वहां से प्रोडक्ट लाओगे क्योंकि पैसा देने के बाद जहां पैसा कमाना होता है वो मैं यहां से पैसा कमाता था सबसे पहले मैं होटल नौकरी कर रहा था क्या कर रहा था होटल होटल में नौकरी कर रहा था लोगों का थाली धो रहा था मैं बर्तन धोता था सच बता दो पसंद खाने बोलता मैं मार्केट के अंदर भिनमाल में किसान दाल बाटा होटल है वो मैंने 6 साल नौकरी किया और मेरी सैलरी कितनी थी 4000 की सैलरी थी अभी आप समझो 5 बहन है 4000 की सैलरी है पापा 200-300 दिन का कमा रहे महीने का टोटल मिला के मेरे घर पे 9-10 हजार का आ रहे हैं क्या सच बताना घर मेंटेन होगा नो मेरा भी नहीं होता फिर मैंने सोचा करूं तो करूं क्या पार्ट टाइम करके मैंने काम स्टार्ट किया दोस्तों मैंने अलग अलग प्रकार का लोगों को पेपर न्यूज पेपर डालता था और दोस्तों गांव गांव सिटी में डांस का काम करता था ये हकीकत मेरी फोटो आप देख सकते डांस क्लास स्टेज पे जाकर मैं डांस करता था सर घर मेरा नहीं चलता था क्या करूं मुझे एक व्यक्ति मिला कि घर चलाना है तो आपको नौकरी करना पड़ेगा मैंने बोला कर रहा हूं फिर भी नहीं चल रहा क्या करूं बोला आज तेरे पास एक जॉब है मतलब क्या सुबह उठ के आपको पेपर न्यूज डालना पड़ेगा मैंने बोला डालूंगा सर रियल को तो न्यूज पेपर डालता उस समय मुझे और एक इंसान मिला बोलता एक चीज और है मैंने बोला क्या है बोला डांस आता है हाँ आता है बोलता आपको ये करना पड़ेगा सच बता दोस्तों डांस करना मेरे पास आज भी वीडियो है मेरा खुद का वीडियो है मेरा ये खुद का फोटो आपने लगभग शक्ल मिलती है मेरी नहीं मिलती है मेरे पास आना पाना में फोटो बता वीडियो बता इधर बोलो सर आपने कहां से लाए फोटो ये सर रियली बोलता है सिंगल सिस्टम में जो काम करता था मार्केट में और उस काम करने के बावजूद मुझे पैसा आता था आप भी मेहनत करते हो yes. कोई नौकरी करता होगा कोई खेती बाड़ी कोई बिजनेस कहीं ना कहीं मार्केट में जॉब करते जॉब इसलिए करते कि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए करता है और मैंने भी मार्केट में जॉब किया बिजनेस की अलग प्रकार डांस प्रोग्राम किया और ऐसे बोला जाता है कि जब खेती बाड़ी के अंदर जब भी किसी का ठेसर आता था और उसमें बोलते सब गेहूं निकालना है कहीं ना कहीं मूंगफली निकालना वैसा निकलता है ठेसर बोलते ना आपके क्या बोलते हैं ठेसर ही बोलते ना हमारे भी ठेसर ही बोलते हैं वही उसमें गेहूं डालते हैं उसमें गेहूं निकलता वही आता है हमारे भी वही आता है हाँ वो नहीं आता आलू डालो सोना